हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे केरला के सिल्वर रेल प्रोजेक्ट। जब ये न्यूज़ में था, जब सैंक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, लेकिन फ़िलहाल इसको होल्ड पे रख दिया गया है। क्यों होल्ड पे रख दिया गया है? कुछ प्रोटेस्ट इसको लेकर हो रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं फिर से रिवाइज़ कराएंगे आपको कि सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट क्या है। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। दिस इज़ माई टेलीग्राम एंड यहाँ पे आप किसी भी क्वेरी के लिए कनेक्ट कीजिए। अब देखिए, केरला स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने फ़िलहाल ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है इसको लेकर एक SIA हो रहा था। SIA क्या है? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, याद रखिए। देखिए, जो आपका एनवायरनमेंट का EIA का टॉपिक आता है ना, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वहाँ पे आप इस तरीके का कोई एग्जांपल दे सकते हैं। ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा रहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का आता है तो उसमें दो चीज़ें जो EIA के अंदर हम देखते हैं, एक तो होता है कि एनवायरनमेंट पे उसका क्या असर पड़ेगा मोटे तौर पे, दूसरा सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोग उससे कितने ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, क्या वहाँ पे कोई फैमिलीज़ हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा रहा था, जिसको फ़िलहाल रोक दिया। जो भी ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व थे उनको कहा रुक जाइए, हम बाकी चीज़ें फ़िलहाल देखेंगे। तो ये ऑर्डर वहाँ पे आया है और ये कहा गया कि अभी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जगह जो ऑफिसर्स यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमको ये ऑफिशियल्स हमको वहाँ चाहिए, तो ये कहकर इसको होल्ड पे कर दिया गया। अब देखो, फिलहाल यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी मंजूरी केरला के इस जो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है इसको अभी तक नहीं दी है। अभी तक पूरे तरीके से इसको मंजूरी मिलना बाकी है। इसको के रेल भी कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब से ये अनाउंस हुई है तो सिर्फ इसका ऑपोजिशन ही देखा गया है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसका ऑपोजिशन क्यों है। तो पहले देखिए, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या वास्तव में? ये एक प्रोजेक्ट है रेलवे लाइन का, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रेलवे लाइन बन रही है केरला में, तिरुवनंतपुरम इन साउथ टू कसरगोड इन नॉर्थ। तो यहाँ पे 529.45 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट ये बन रहा है, जो कि 11 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, 11 स्टेशंस यहाँ पे आएंगे। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होगी। ये डिस्टेंस त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम से कासरगोड का जो था पहले 12 घंटे में होता था। अब इतनी स्पीड से अगर ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आपका चलेगा तो 4 आवर्स में, 4 घंटे में ये सफ़र आपका पूरा हो जाएगा। तो इट इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, इसको पूरा काम कौन करवाएगा? केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और डेडलाइन है इसकी 2025। अब वैसे अगर आप के रेल जो है इसको अगर आप देखेंगे, एक जॉइंट वेंचर है केरला गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में। वेंचर इनका है बट एग्जीक्यूट इसको केरला रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड कराएगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये सिल्वर लाइन कॉरिडोर, ये देखिए, साउथ तिरुवनंतपुरम से नॉर्थ, मतलब केरला के नॉर्थ और साउथ को ये कनेक्ट करेगा। पहले ये सफ़र, क्योंकि केरला हिली टेरेन भी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर्व से कभी कभी गुजरना पड़ता था जो रेलवे लाइंस फ़िलहाल हैं, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी ट्रेन चलती हैं वो 45 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा कोई ट्रेन नहीं चल पाती बिकॉज ऑफ द टेरेन, जिस तरह का यहाँ पे टेरेन है। तो लेकिन अब ये ट्रेन अगर यहाँ से सीधा ऐसे बनेगा तो 200 किलोमीटर पर आवर ऑलमोस्ट इस एवरेज से ये चलेगा। तो ये 12 घंटे का सफ़र आपका 4 आवर्स में हो जाएगा, इसलिए इसको लाया जा रहा है कि कम्यूटर्स को बहुत फ़ायदा होगा। तो फीचर्स इसके यही हैं। फीचर पहला यह है कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इसके रहेंगे, हम एमिशंस को भी यहाँ पे कम करना चाहते हैं। 9 कार रेक रहेगा, मतलब 9 डब्बे इसके होंगे, और 675 पैसेंजर्स बिजनेस और स्टैंडर्ड क्लास में जा पाएंगे। 200 से 220 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे बताई जा रही है, और हर 500 मीटर पे एक अंडर पैसेज आएगा जिसमें सर्विस रोड्स भी होंगी। अंडर पैसेज हो गया काइंड ऑफ अ टनल, जिसके साथ में सर्विस रोड्स भी आपकी होंगी। अब के रेल की नीड क्या थी? तो ऑब्वियसली आप देखेंगे काफ़ी टाइम को काट रहा है, तो ये तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि केरला में टेरेन लिमिटेशंस बहुत हैं। टेरेन लिमिटेशंस यही कि बहुत सारे कर्व्स, मोड, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिस वजह से वहाँ पे रेल्स की ज़्यादा स्पीड नहीं रह पाती। और रोड पे ये जो नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट होता है आपका केरला, रोड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो अल्टीमेटली आपकी जब गाड़ियाँ कम चलेंगी, लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम होंगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। सो दिस इज़ इट। बट अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बड़े समय से देखो ये लाया क्यों गया था, क्योंकि अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट्स काफ़ी समय से आर्ग्यू कर रहे थे कि जिस तरह से पूरा कम्युनिकेशन ये गाड़ियों का, रेल्स का, रेलवे स्पेशली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर केरला का है, ये आने वाले समय में कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स करने का मतलब है कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है डिमांड्स फ्यूचर की पूरी नहीं कर सकता। सो वी नीड मोर रेलवे लाइन्स इन केरला। सो इस लाइन में अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टेशंस हैं, लाइक 11 स्टेशंस हैं, यहाँ पे अलग अलग नाम आप देख सकते हैं। जैसे कोचीन एयरपोर्ट भी है, उसमें से कोझिकोड, कन्नूर और फिर जाके कसरगोड पहुँचेगा। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ऑलरेडी 1 एकड़ इस लैंड के लिए ऑफ़र किया है, इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड ऑफ़र किया है। तो इस स्क्रीनशॉट में आप ये पूरा ये जहाँ जहाँ इसके स्टॉप्स होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने किलोमीटर पे इसके स्टॉप जो आएंगे। सो फ़ायदे क्या हैं, आपको फ़ायदे इसके ज़रूर पता होने चाहिए। डी कंजेशन अगर हम बात करें तो रोड ट्रैफिक की बात करें, रोड ट्रैफिक कम होगा, एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगी, ग्रीन हाउस गैसेज आपकी कम होंगी, फिर नॉइस इम्पैक्ट जो गाड़ियों का है, नॉइस पोल्यूशन जो है वो कम होगा। और उसके बाद जो लैंड रिक्वायर्ड है अबाउट हाफ ऑफ दैट 4 लेन हाईवेज जितना हमारा जा रहा है, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे वी नीड मोर लैंड, तो शायद रेलवे प्रोजेक्ट में कम ज़रूरत होगा। बट प्रोटेस्ट इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो इश्यूज़ क्या हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में काफ़ी बहस चल रही है, सेपरेट प्रोटेस्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला कहा जा रहा है कि केरला गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, अगर उतना पैसा हम यूज़ करेंगे तो जो स्टेट है वो और ज़्यादा कर्जे में, डेट में चली जाएगी। फिर जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को फ़िलहाल रोक दिया गया है, यहाँ पे अराउंड 30,000 जहाँ पे ये प्रोजेक्ट होना है 30,000 फैमिलीज़ हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली और सोशली थोड़ा अनवाइबल हो जाता है कि वो 30,000 फैमिलीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सोशल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, देन द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कि इकोलॉजिकल डैमेज बहुत होगी, इन्वायरमेंट हार्म बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो पूरा रूट मैंने आपको दिखाया नॉर्थ टू साउथ ये बहुत ज़्यादा वेटलैंड से गुजरता है, पैडी फील्ड से गुजरता है, हिल्स से गुजरता है, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का लॉस करेंगे। और यहाँ पे ये बैरियर अगर हट गया, यहाँ से इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे एंड एवरीथिंग, एम्बैंकमेंट्स, बिल्डिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स जो इधर साइड पे आप बनाएंगे तो वो नेचुरल ड्रेनेज को रोकेगा। जो एम्बैंकमेंट्स बनाई जाएंगी वो पानी को नहीं जाने देगा आगे, जिससे शहरों में क्या होगा, फ्लड, अगर हैवी रेन होगी तो जो पानी है वो फ्लडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकोलॉजिकल डैमेज, फ्लड हैजर्ड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, हर जगह अलग अलग हेडिंग्स में आप इस प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हैं। तो करंट स्टेटस प्रोजेक्ट का क्या है कि अब इसके लिए जो जगह चाहिए अगर आप देखेंगे 1383 हेक्टेयर्स जगह इस प्रोजेक्ट को करने के लिए चाहिए, जिसमें से 1198 हेक्टेयर्स जो है वो प्राइवेट लैंड है। अब कैबिनेट ने जैसे अप्रूव किया है कि 2100 करोड़ केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के लिए, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट आर्म है ये गवर्नमेंट की, पर पूरे तरीके से नोड आना भी बाकी है। चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा है कि थोड़ा सा पर्सनली इंटरवीन कीजिए, जो भी क्लियरेंसेस चाहिए इस प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी क्लियरेंसेस मिले। तो प्रोटेस्ट के रीजंस मैंने आपको बता दिए, उसको अलग अलग हेडिंग्स में ज़रूर लिखिएगा। और मार्च इस ईयर में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने लोकसभा में कहा था कि यस जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर वो रियल हैं, और एक्टिविस्ट भी बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंटल हार्म ज़रूर होगा, तो बेटर है कि इस प्रोजेक्ट को रोककर आप कुछ और सस्टेनेबल सोल्यूशंस लेके आएँ। सो नाउ लेट्स सी किस रोड पे किस तरफ ये जाता है। तो ये सब आपका EIA में प्लस कोर्स में हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप इनके पिक्चर्स और नाम देख सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप देखिए आपको बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ मिलेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। VIROUPSC इज़ माई कोड जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी पे अभी डिस्काउंट बहुत ज़्यादा /प्राइजेस गिरे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। 2 बैचेस हमारे 6 मंथ्स रिवीजन के लिए शुरू हुए हैं, रफ्तार एंड एक्सेलरेट बैच 2023 रिवीजन बैचेस, आप इनको मान लीजिए कि आप इनसे रिवाइज कर सकते हैं, सिर्फ 6 मंथ्स हैं। सो रिमेंबर द कोड, CSAT भी ले सकते हैं, EMI पे आप कोर्सेज ले सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।